أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ستيز الشفر أولي मस्जिद -e रहमानी के काबिल -e क़दर ज़िम्मेदारान जमात व जमीत के अमायदीन और बंगलोर दुरूस के मेरे नौजवान साथियों और यहाँ मौजूद मेरे इस्लामी दीनी भाइयों और अगर ख़वात पर्दे की आड़ से समात फरमा रही है तो मेरी इस्लामी दीनी बहने और माएं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बचा लाता हूँ कि उस रब करीम ने हम तमाम को दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद अल्लाह का घर वहाँ बैठ के सबसे बेहतरीन बातें अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने और सुनाने की तोफ़े करजानी बख्शी है जिस पर हमें और आपको शुक्रगुजारी करनी चाहिए सुबह ना वाला अकबर सलाम नाजिल हो तमाम अम्बिया और मुरसलीन पर ख़ुसूसन आख़री नबी जनाब मोहम्मद रसोल सल्ला वामी पर अल्लाबारिक वसलम अला नबीना मोहम्मद वही वसहान तबीम बहसानद्दीन हाजरीन मौजू जैसे अभी आपने समात फरमाया हालात हाजिरा और हमारी जिम्मेदारियां हालात क्या हैं यह आपसे ढकी छुपी नहीं है हालात का रोना ज़्यादा नहीं है हमारी ज़िम्मेदारियां क्या है वो हमें मालूम करना है और अल्लाह का फतल करम है कि हमारी ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक से जो बातें अर्ज़ करनी थी उनमें से जो बातें मैंने जमा की हैं मेरे सबक मुक़र ने अल्हम्दुलिल्लाह तीन बातों को कवर किया है मैंने दस ज़िम्मेदारियाँ जमा की है इन शाह मेरा थोड़ा सा काम हल्का भी हुआ क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा कम हुआ है कम बिला है खैर अल्लाह ताला तैर फरमाए हाजरीन खुदबा मसूना के बाद मैंने आपके सामने सूरत की आयत नंबर इकतालीस चालीस पर एक पढ़ी है अल्लाह तयत में फरमाया दहर फरमायाल रिवर बहर बिमा कसब खुशकी में तरी में समंदर में जमीन में हर जगह पर बर्र बहर में फितना और फसाद बपा है हर तरह के फितने और फसाद बपा है क्यों ये फितना और फसाद बपा है दिमाग कसबत आई दिननाश लोगों के अपने हाथों की कमाई की वजह से अपने हाथों की कमाई की वजह से इंसान के ये गुनाह हैं। इंसान की बद हैं इंसान अपनी जिम्मेदारियों से जो दूर हट चुके हैं और खुसूसी तौर पर हम मुसलमान तबर तला इंसान के किए धरे में से बास का मजा दुनिया में चखाता है बास गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया में देता है हर चीज का नहीं बास का क्यों ये सजा देता है क्यों अल्लाह ताला परेशानियों में मुमतला करता है क्यों अल्लाह ताला आजमाता है बाद आमिलू। ला ला ताके ये भूले बिसरे लोग, लोग सबक सीख के वापस आ जाए सोनार को देखें सोना खरा है या खोटा मालूम करने के लिए क्या करते हैं वो आग में तपाते हैं तपाने के बाद उसके बाद मालूम करते हैं खरा कौन है खोटा कौन है अल्लाह ने इस आयत में हालात को बताया सबब बताया फिर उसके बाद करना क्या वो भी बताया है हालात यह है जहर फसाद फिल वल बहर क्यों असबाब क्या है बीमा कसबत आई दिन नास। क्यों ये हालात बन रहे हैं और हमारे ऊपर आजमाइश आ रही है ताकि लौट के आए लौट के आए दीन की तरफ लौट के आओगे तो याद रखो उसी में हमारे लिए कामयाबी है और यही जुमला मैं आखिर में कहूंगा कि हत्ता इला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया हदीस में फरमाया अबू दाऊद अबी की सही रिवायत है और जामिया सही में शकलबानी ने सही करार दिया है याद रखो लोगों जब तुम दुनियादार बन जाओगे दीन से दूरी करने लग जाओगे, और तुम दुनिया में मगर मस्त हो जाओगे और अल्लाह के रास्ते में चलना इसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना छोड़ दोगे, उस वक्त याद रखो तुम जलील रुसवा हो जाओगे तुम्हारे हुक्म तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसलत कर दिया जाएगा तुम जलील रुसवा हो जाओगे यहां तक के नबी ने फरमाया तर कुम जब तक तुम दीन की तरफ लौट के ना आओ उस वक्त तक तुम्हारी हालतें सुधरने वाली नहीं है हाजरिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज मुसलमानों की जितनी तेदाद है जितनी हुकूमतें हैं जितने इसबाब अफराध वसाइल सोर्सेस हैं दौलत के समंदर मुसलमानों के पैर के तले से अल्लाह ने बहा दिया है पेट्रोल और डीजल की शक्ल में हा? अफराद की कमी नहीं है आज दुनिया में से वन फोर्थ आबादी मुसलमानों की है चार में से एक इंसान मुसलमान है मुसलमानों के पास साठ के करीब हुकूमतें हैं पेट्रोल डीजल अफराद अस्बाब वसाइल हुकूमत सब कुछ तुम्हारे पास है लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कह सकता हूं आज मुसलमान आज मुसलमान दीनी एतबार से दुनियावी एतबार से ताली एबार से माशी एतबार से तहजीब तमदन के एतबार से और तिजारत के एतबार से तालीम के एतबार से दीन के एतबार से दुनियावी एतबार से हर एतबार से जितने पसमांदा हैं तारीख में किसी दौर में इतने पसमानदा नहीं थे और आज जितने जलील और रसवा हैं तारीख में कभी मुसलमान इतने जलील रसवा और पसमा नहीं रहे अल्लाह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये जो हालात हैं हालात क्यों बने हैं ऐसे नहीं बनते हैं हालात हालात को हम बनाते हैं है ना हालात को हम बनाते हैं और हालात क्या है हालात कैसे बनते हैं अल्लाह तबर तला ने फरमाया देखो इन अल्लाह कौमा बेसे अल्लाह ताला किसी कौम की हालत और स्टेटस को उस वक्त तक चेंज नहीं करता जब तक के वो खुद अपनी हालत को बदल ना ले हम इसको सिर्फ ये समझते हैं कि हमारी बुरी हालत है उस वक्त तक अल्लाह चेंज नहीं करेगा जब तक हम ना बदले बिल्कुल सही है लेकिन ये भी सोचो इसके अंदर ये भी है हमारी जब अच्छी हालत थी उस अच्छी हालत से ये जो बुरी हालत और दुर्गत हुई है ये भी अल्लाह ने हमारे आमाल की वजह से किया है हमारे आमाल की वजह से किया है याद रखिए हम खुद जिम्मेदार हैं और हम क्या सोचते मालूम है उन्हें बदला तो मैं बदल है ना पहले वो हुआ तो मैं हो तू आप पहले आप सही सब कुछ है अफराध से कौम है हा? अफराद से कौम है एक से अनेक बनते हैं आप अपनी जगह पर बदलो देखो तब्दीलियां आने वाली है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया तुम दीन की तरफ लौट के आ जाओ हजर निगरामी हालात क्या है हालात को अगर आप समझना चाहते हैं प्यारे नबी वसल्लम की हदीस को समझ लें सारे हालात की अक्कासी उसके अंदर है की बहुत मशहूर रिवायत है रवायत हैदीसोबान रजी अल्लाह के रसूल ने फरमायाफक मिन मिनकुल्लेफक एक जमाना ऐसा आएगा कि सारी उम्मतें सारी उम्मतें हर तरफ से हर चार जानिब से तुम पर टूट पड़ेंगे कैसे टूट पड़ेंगे कमातदाती जैसे भूखे दस्तरखान की तरफ टूट पड़ते हैं प्याले की तरफ टूट पड़ते हैं ऐसे टूट पड़ेंगे ऐसे टूट पड़ेंगे या साहब इकराम को बड़ा ताज्जुब हुआ अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल, रसूल फमिन कल दिन क्या हमारी तदाद उस वक्त कम होगी नबी ने फरमाया नहीं ची कला नगुस् तुम्हारी होगी तुम्हारा कोई वजन नहीं होगा तुम्हारे कोई औकात नहीं होगी तुम्हारा कोई मुकाम मरतबा नहीं होगा ना हुकूमती एतबार से नालीमी एतबार से न दीनी एतबार से न समाजी एतबार से न माशराती से न काम काज के एतबार से न ड्यूटी के एतबार से ना तुम्हारे कारोबार और तजारत के एतबार से किसी एतबार से तुम्हारा कोई वजन नहीं होगा देखने में बहुत कुर्बान जाए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशबीहात पर अल्लाह हू अकबर क्या तशबीह है नबी ने क्या तशबीह दी है कभी तो आपने सोचा है मुसलमानों को किससे तशबीह दी फरमाया जैसे सैलाब आता है सैलाब का पानी एक एक, एक एक बहुत आ गया ऊपर ऐसे झाग है लगता है कि सारा पानी ही पानी है धूप के किरणें क्या पड़ी दो दिन में सब खत्म दो दिन में सब खत्म आज हमारी तादाद इतनी ज्यादा है लेकिन कुछ भी उसके हैसियत ही नहीं है कोई फायदा ही नहीं है जैसे समंदर के जैसे ये सैलाब के ऊपर के जो झाग होते हैं उसका कोई फायदा नहीं है खसो खशाक का कोई फायदा उससे नहीं होता है ना जमीन को ना जमीन के ऊपर वाले को ऐसे ही आज हमारी हालत है ना हम खुद फायदा उठा रहे हैं ना फायदा पहुंचा रहे हैं अल्लाह अकबर और दूसरी बात नबी ने जो मिसाल दी है अगर ये भूखे दस्तरखान अगर इसको कुछ ने कहा कि अगर भूखे कुत्ते से तस्वीर दी जाए तो दीगर अकवाम को यह कहा कि वो भूखे कुत्ते की तरह है भूख की तरह है वह भूख में निढाल है और मुसलमानों को कहा गया मुर्दा लाश है क्या है मुर्दा लाश और तुम्हारी हैसियत यह है कि जिंदा में तुम्हारी कोई औकात नहीं कोई हैसियत नहीं है अल्लाह हिफाजत फरमाए साहब इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये क्यों ऐसा होगा सबब क्या है नबी ने फरमाया वाहन आ जाएगा कहा कि वाहन क्या है कहा हब दुनिया व कराही मौत दुनिया की मोहब्बत और चाहत दुनिया और चाहिए दौलत और चाहिए बंगला और चाहिए गाड़ियां और चाहिए और 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 ख्वाहिशा और आरुओं को मिट्टी ही भर सकती है जब तक वो कबर जाकर उसके ऊपर मिट्टी ना पड़े उसकी ख्वाहिशात मिट्टी नहीं खत्म नहीं होती है आज हम इतने ज्यादा दुनियादार हो कुछ हो चुके हैं खुद दुनिया व करा ही अतुल मौत और मरना नहीं चाहते हम हा? जो होना यकी है उसके तरफ हम जाना नहीं चाहते हैं ये हालात है मेरे भाइयों आज अलकुफर मिल्ल वाहिदा जिनके खुदाओं में अख्तिलाफ है हा? हमारे और उनके दरमियान उतनी अख्तिलाफ नहीं है हम तो ईसा सलाम को इज्जत देते हैं उन पर ईमान रखते हैं और वो लोग जो उनको कहते वाला दो जिना आज उनके साथ दोस्ती है और एक साथ मिलके अरब दुनिया पर अरबों पर हमला कर रहे हैं यही इसराइल जब बसाया गया इसराइल जब बसाया गया हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अल आजमी उमरी उम्री रहमतन रहीसिया वो दर्श में कहा करते थे कि देखो जी जब सारे अरबों के बीच में एक तीर से दो शिकार किया गया बीच में लाके इसराइल को बसाया गया ताकि उनकी शरारत से दूसरे लोग बच सके और मुसलमान की शरारतों में मुब्तला हो सके जिसने इनको चुन चुन के मारा नाम लेना मैं नहीं चाहता हूं उसने एक जुमला कहा मेरा तो दिल चाहता है कि सफाई हस्ती से सारे इन खबीसों को मिटा दूं लेकिन चंद को छोड़ के जाता हूं ताकि बाद में आने वालों को एहसास हो मैंने उनके साथ यह सुलूक क्यों किया है याद रखिए आज हर बुराई के पीछे उनका हाथ होता है उनका हाथ है हा? जब बसाया गया लोगों ने कहा कि भाई इनको जगह मत दो अरब के लोगों ने कहा अरब की हुकूमतों ने उस वक्त कहा ये मुट्ठी भर लोग हैं हम पूरे अरब मिलकर थूकेंगे तो डूब जाएंगे आज कैसे थूक थूक कर मार रहे हैं हा? सारे अरब सिर्फ बात कर रहे हैं बात कर रहे हो क्या कर सकते हो याद रखो उनके पास ऐसे हथियार हैं ऐसे लेटेस्ट चीजें हैं ऐसे दिफा के सामान है तुम कुछ नहीं हाथ पर हाथ धरे बैठे हो और याद रखो जब तुम्हारे पास डिफेंस की ताकत नहीं है तो छेड़ना भी नहीं है हाँ? छेड़ना भी नहीं है यह सलफ का तरीका नहीं है प्यारे नबी सनुत नाजिला भी मक्के में नहीं पढ़े हैं है ना शेख नाजिला भी मक्के में नहीं पढ़े हैं कहां पढ़े हैं मदीने में जाकर पढ़े हैं याद रखिए जब आपके पास हर तरह की तैयारी तो आगे बढ़ना चाहिए वरना नहीं याद रखिए मेरे भाइयों ये हालात हैं ये हालात हैं अब ऐसे हालात में हमें करना क्या आइए हमारी जिम्मेदारियां हम मालूम करते हैं कि हालात खुद ब खुद बदलेंगे नहीं हालात को हमें बदलाना पड़ेगा हालात को बदलाना पड़ेगा और हालात को बदलाने के लिए जो नौजवान है उनको अजम करना है जो बुजुर्गान हैं वो मैदान में नहीं आ सकते उनसे मशवरा लेना उनके तजुर्बे से मशवरे से फायदा उठाना नौजवान याद रखो किसी भी कौम की पहचान उस कौम की नौजवान है किसी भी कौम की आइडेंटिटी उस कौम के नौजवान है जिस कौम के नौजवान सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता वो कौम तरक्की याफ्ता है जिस कौन के नौजवान सबसे ज्यादा आगे हैं वो कौन सबसे आगे हैं और जिस कौन के नौजवान सबसे पीछे हैं याद रखो वो कौम सबसे पीछे हैं मेरे नौजवान भाइयों आप से सुनें। और से सुने और हालात का जायजा लेते हुए हालात क्या है और क्या क्या बातें मैं आपको कहूं फारसी का शायर कहता है दिल हमा दागदार शुद्ध पुम्बा हाँ दिल तो पूरा दागदार है तो ये पुम्बा यानी रूवी कहां कहा पर रखूं मरहम कहां रखूं सारा जिसम दागदार है कहां कहां रखूं आइए कुछ मरहम हम करते हैं याद रखिए मेरे भाइयों इमाम मालिक के कौल से बात शुरू करते हैं हमारी जिम्मेदारियों में इमाम मालिक का कौल है इमाम मालिक ने कहा अव्वल इस उम्मत के आखिर में आने वाले लोग उस वक्त तक सलाह और फला नहीं पा सकते जब तक वो पहले वालों को ना अपनाएं सहाबक राम ताबीन एजाम कोरोने ओला के लोग जिन चीजों को अपना कर कामयाब हुए हैं याद करो उस वक्त को जब प्यारे नबी बन के तशरीफ लाए अरब का क्या हाल था उस वक्त के सुपर पावर उनको अपनी हद हुकूमत में लाना नहीं चाहते थे यानी इतने गए गुजरे लोग थे आप जितनी बुराइयां तस्वुर कर सकते हो करते जाओ वो सारी बुराइयां इनके अंदर पाई जाती थी कुफुर शिर खुराफात अवहमात चोरी डकेती शराब नोशी जिनाकारी, और हर तरह के जोरी, जुल्म, हर तरह की बुराई अंदर पाई जाती थी। प्यारे ने क्या कहा? के अंदर लोगो, लोगो इलाहा इल्लल्लाह हो कामयाब हो जाओगे तुम इल्लल्लाह कहो ला इल्लल्लाह कहोगे तो कामयाब हो जाओगे आइए सबसे पहली जिम्मेदारी जो हमें अदा करना है अपने ईमान और अकीदे का जायजा ले इसी ईमान के जरिए से हम अपना खोया हुआ मुकाम पा सकते हैं यही ईमान है अल्लाह ने फरमाया वला वला व इन मुमिनीन अल्लाह ने शर्त के साथ कहा ये कंडीशनल है अल्लाह ताला तुम्हारा सर बुलंद रखेगा बशर्ते कि अगर तुम मोमिन बनो अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान बनकर रहोगे तो अल्लाह ताला की नुसरत और तायद आएगी सिर्फ मुसलमान से बात नहीं बनेगी मोमिन बनना पड़ेगा हाँ अभी आपने शेख से सुना है अल्लाह ने क्या फरमाया इन अल्लाह अल्लाह अहले ईमान का दिफा करता है डिफेंस करता है अहले ईमान अगर कमजोर हो ईमान अगर उसके पास हो तनहा आले ईमान अकेला हो अल्लाह डिफेंस करता है याद करो इब्राहिम को आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह इस पैगाम को लेके आगे बढ़ो याद रखो मेरे भाइयों अल्लाह ने ये भी कहा कान हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन मोमिनों की मदद करना मुस्लिमीन नहीं कहा मोमिनीन की मदद करना मेरे ऊपर हक है मोमिन बन जाओ ईमान का जायजा लिया करो अल्लाह तबरखता तुम्हारी मदद करेगा अल्लाह तुम्हारी तुम्हारा दिफा करेगा हमें चाहिए कि अपने ईमान का जायजा लिया करें और एक बात याद रखो दिन ईमान के खातिर इस जुमले को गौर से सुने दीनों ईमान के खातिर अगर हमारी आजमाइश हो अल्लाह उसके रसूल के लिए हमारी आजमाइश हो तो हमें दीन बेजार नहीं और दीनदार बनना है क्या कहा ईमान की खातिर आजमाइश हो हमें और दीनदार बनना है दीन बेजार नहीं बनना है आज ये तीस करोड़ मुसलमानों को कहां निकालेंगे भाई ये लोग मुल्क से निकालना नहीं चाहते हैं ये तो नारा है जाहिर स्लोगन है ये असल में हमें दीन से निकालना चाहते हैं हमें दीन से निकालना चाहते हैं बेदीन बनकर रहो या रहो हाँ याद रखिए हमें चाहिए क्या और ज्यादा दीनदार बनना है ये दुश्मन चाहेंगे तुम दुश्मन के कामयाब दुश्मन को कामयाब मत करो बल्कि और दीनदार बनकर दीन पे डटे रहोगे जमे रहोगे अल्लाह की नुसरत मदद और आएगी ना दे इल्जाम आई हमदम जमाने, जमाने के हवादिस को यही फितने तुझे हर गाम बेदार करते हैं ये फितने हैं ना हमें और दीनदार बनाने के लिए हैं परेशान नहीं होना हालात से घबराना नहीं है बल्कि अपना जायजा लेना है और रखी मेरे भाइयों दीन से दूरी और सुन्नत रसूल से दूरी यही सबसे बड़ी नाकामी हमारी होती है दूसरा काम हमें क्या करना है दूसरा काम हमें करना है सुन्नत रसूल के मुताबिक चलना है उसवाए मोहम्मदी को अपने हर चीज में अपनाया करें उसवाए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम कामयाब होना चाहते हैं याद रखिए याद रखिए हमें इसी जुमले को दोबारा अपनाना तो है सलफ ने यह कहा है कि देखो असुन्न सफीनतु सफी न यह भी मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह का कौल है उन्होंने कहा असुन्न तो सफी सुन्नत ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है जो उसमें सवार हुआ वही नजात पा गया जो सवार नहीं हुआ वो गया डूब जाएगा डूब जाएगा आज जो ये हालात है आज जो ये माहौल है आज फितना है हम आजाब में मुबतला है जालिम हुकुमरानों का जुल्म है हालात बहुत खराब है कोई परेशान हाल है कमाई के लिए कारोबार और तिजारत के लिए दौलत के लिए घर बार में परेशानी है फितना फसाद है याद रखो प्यार नबी अल्लाह तबर ने नूर की आयत नंबर 63 में क्या फरमाया है फलिया उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी की मुखालफत करते हैं नबी की मुखालफत करोगे सुन्नत रसूल से एराज करोगे विदा तो खुराफात पर अमल पैरा हो जाओगे सुन्नत को तर कर दोगे पानी में डूब जाओगे और याद रखो अल्लाह ने फरमायायुसीबा हम अंतुसीबा हम फितना ऐसे लोग फितने में मुबतला हो जाएंगे और युसीबा दर्दनाक अजाब से दो चार कर दिया जाएगा नबी की मुखालफत सुन्नत रसूल की मुखालफत से अल्लाह तबर दुनिया में ही सजा देता है फितने में मुबतला करता है बेशुमार मिसालें हमारे पास है से मुस्लिम को रिवायत आपके सामने का बाया हाथ से खा रहा था नबी ने कहा कि दाया हाथ से खाओ उसने गुरूर तकबर से कहा मैं नहीं कर सकता नबी ने कहा ठीक है सही हो जा फौरन उसका दाया हाथ नाकारा हो गया हाँ। नबी की मुखालफत आज सही हदीस आती है हदीस के आने के बावजूद भी आज दुनिया वाले बदलना नहीं चाहते हैं याद रखो मेरे भाइयों ये हालात नहीं बदलेंगे जब तक तुम सुन्नत रसूल की तरफ लौट के ना आओ मुझे वक्त बहुत कम है और काफी बातें अर्ज करनी है इसलिए जरा तेजी के साथ बढ़ रहा हूं तीसरी चीज तीसरी जिम्मेदारी हालात हाजिर और हमारी जिम्मेदारी तीसरी जिम्मेदारी इस्लाम का पहला पैगाम इकरा इकरा उम्मत इकरा ला तकरा ये इकरा की उम्मत पढ़ती नहीं है पढ़ो की उम्मत पढ़ती नहीं है जिसका पहला पैगाम था पढ़ो ये पढ़ती नहीं है तालीम से आती है अकवाम में बेदारी तालीम से आती है अकवााम में बेदारी है इल्म के पंजे में शमशीर जहादारी जहादारी चाहते हो जहाबानी चाहते हो दुनिया की सियासत चाहते हो दुनिया में हुक्मरानी करना चाहते हो याद रखो इल्म हासिल किया करो पढ़ो इल्म हासिल किया करो अल्लाह ताला ने आदम सलाम को पैदा करने के बाद सबसे पहला काम क्या किया आदम आदमाकुल्ला अल्लाह ने आदम को हर चीज का इल्म दिया पढ़ो क्या पढ़ना है हर चीज को पढ़ो अल अल्लाह आसमान को पढ़ो जमीन को पढ़ो फिजा को पढ़ो कायनात को पढ़ो इंसान को पढ़ो जिन्नात को पढ़ो चरिंदे परिंदे दरिंदेवान नबाता शजर वजर को पढ़ो सब कुछ पढ़ा करो हर जुमा आप सुनते हैं अफलाबली कैफा खुली वही समाई कैफा रूफियात वही लल चिबाली कैफा नसीबत वही लल कैसे अल्लाह ने इनको पैदा

तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो जायज है गुबारों में उड़ो चरखों में झूलो लेकिन एक बात याद रखना बंदा है आज इसकी तुम अपनी हकीकत को और अपने रब को ना भूलो हा? सब पढ़ो मगर ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिस पढ़ाई से रब की पहचान हो एक बिस्मी रब खलक। उस रब की पढ़ाई पढ़ो ऐसी पढ़ाई जिसके जरिए से तुम्हारे खालिक की मारिफत हो खालिक का इनकार करने वाला ना हो याद रखो मेरे भाइयों आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने इल्म दिया है और फरमाया देखो हम इसको हम इंसान को खलीफतुल अर्द बनाना चाहते हैं और यहां पर एक गुत्ती सुलझा देते हैं कुछ लोग कहते हैं ये गलत तफसीर है इन्नी जाइलु का लिन्नास इन्नी जाइलु फिल अर्द खलीफा अल्लाह ने कहा इज़ क़ाल रब्बुक लिल इन्नी जाइलु फिल अर्द खलीफा मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं लोग कहते हैं इंसान अल्लाह के खलीफा है नौजबल नहीं सही तफसर क्या है इंसान जमीन के खलीफा है खिलाफत अर्धी है खिलाफत नहीं, नहीं है खलीफा नहीं है खलीफा अर्धी है यानी खल्फ के माने पीछे बाप के बाद बेटा बेटा के बाद पोता पीछे पीछे है ना तो खल्फ ऐसे ही होता है एक के बाद दूसरी नस्ल अल्लाह ने जमीन में बनाया है जमीन के खलीफा बनने के लिए अल्लाह ने आदम को पहले क्या सिखाया बोले इल्म सिखाया है, सीखोगे तो क्या होगा इल्म अगर कुत्ते के पास आ जाए तो भी उसका मुकाम ऊंचा हो जाता है ना भाई हाँ कुरान ने खुद कहा है आम कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे सात बार धोना पड़ेगा लेकिन वो कुत्ता जिसके पास इल्म है

ईमान के बाद इल्म हो तो मुकाम अल्लाह ताला ऊंचा करता है याद रखो मेरे भाइयों इल्म वाले और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं आज अगर जाहिल को भी कहा जाए इल्म वाला उसको अच्छा लगता है हा? जाहिल को भी जाहिल कहा जाए तो बुरा लगता है ना आजकल तो अवाम में एक बात है आपस में एक दूसरे को शेख शेख दर शेख दर हाँ आपस में क्या उतने आसानी से शेख बन जाते सो अरे वाह फाड़ना पड़ेगा पूछो ए, हसीरे पड़ना है कितनी मेहनतें करना है हाँ और बेंगलोर वाले तो सबसे ज्यादा भागते थे मदरसे याद रखो इतने आसानी से नहीं शेख बोलने से खुश हो गए आ, मैं क्या बताना चाहू बोलो भाई कोई हर्ष नहीं है मैं रोकता नहीं लेकिन यानी शेख के लाभ से आपको खुशी हो रही है बनो और वाकई माने में अगर हो इल्म वाले कितना फायदा होगा याद रखिए मेरे भाइयों शायर ने क्या खूब कहा करते नहीं महकूम को तेगो से कभी ज़ेर तलवार की जरूरत नहीं है तालीम के तेजाब में डाल उसकी खुदी को तालीम के तेज़ाब में डाल उसकी खुदी को हो जाए मुलायम तो जिदर चाहे फेर तासीर में एक सीर से बढ़ के हैं ये तेजाब सोने का हिमालय हो तो मिट्टी का एक ढेर खुदीम हो इलम से मोहकम तो गैरत जबरील खुदी हो इश्क से मोहकम तो सूर इसरा यानी आपके अंदर जो खुद ही यानी सलाहियत और काबिलियत है इल्म के साथ ये आ जाए तो क्या बात बनी अल्लाह अकबर बड़ा फायदा हो सकता है अकबर इलाहाबादी बहुत अच्छी शायरी करते हैं उन्हीं का शेर है ये इससे पहले भी जो मैंने कहा ना अपनी हकीकत को जो चाहे पढ़ो मगर अपनी हकीक उन्हीं का शेर है उनके एक शेर भी सुना देता हूँ बीच में अच्छा है कहां से आएगी औलाद में मां बाप की खूबू आज औलाद के अंदर माँ बाप की वो खूबू नहीं है हाँ माँ बाप की बातें नहीं सुन रही है कहा से आएगी औलाद में मां बाप की खूबू दूध है बाटल का तालीम है सरकार की अच्छा नहीं दूध है बाटल का तालीम है सरकार की माँ बाप ना दूध पिलाए ना दूध पिलाई बाप ना तालीम दिया है कहां से आएगी उन्होंने खुद कहा है यू कतल से वो बच्चों का बदनाम ना होता फिराउन जो है बच्चों को कतल करके बदनाम हो गया कतल से वो बच्चों का बदनाम ना होता अफसोस के फिर आ उनको कॉलेज की ना सूची, कॉलेज बना देता और कॉलेज में जो चाहे उनको बेदिन बना देता आज आपको एनईपी पता है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज जो आ रही है पॉलिसी याद रखो जहरे कातिल है अगर कोई सिर्फ ही पढ़ेगा वो क्या बनेगा बेदिन बनेगा जैसे स्पेन का हाल हुआ है और तुर्किस्तान का हाल हुआ है ऐसे आजान का उतान का हाल हुआ है नाम का मुसलमान रह जाएगा ऐसे वक्त में दीने मदारिस मराकज और मकादेब बहुत अहम रोल अदा करेंगे मेरे भाइयों तालीम बहुत जरूरी है एक बात बता देता हूं जब इसराइल को बसाया गया इसराइल को बसाया गया तो खाने को खाना नहीं उनके पास बड़े परेशान थे इस इतने में उन्होंने कहा कि एक वक्त ना खाकर हमारे पास जो सोना चांदी हीरे जवाहिरात है वो और एक वक्त का खाने का पैसा हम जमा करेंगे जमा करने के बाद उनके जो सबसे बड़े आलिम थे उस वक्त उनके पास लाए और कहा एक काम करो हमारा ये जो वॉल है उनकी एक दीवार है बड़ी मुकदस दीवार है उसको वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है और इसी तरह से वेलिंग वॉल भी कहा जाता है कोटल भी कहते हैं उसको कोटल भी कहते हैं उनके पास बहुत मुकद्दस दीवार है वो कहा कि इसको सोने का बना दो उनके बड़े आलिम ने कहा उस वक्त बेकूफ है वो लोग जो इबादत होना चाहिए हाँ हा, जरूरत के हिसाब से कुछ जितनी हो जितनी सहूलत के साथ करना चाहिए करें लेकिन सोने के बनाने की क्या जरूरत है यही पैसा में तालीम में लगाना चाहता हूं और तालीम में लगा के आज देखो क्या क्या बेच रहे हैं सॉफ्टवेयर हथियार प्रोडक्ट्स क्या क्या उनके पास है तालीम से याद रखो आती है अकवाम में बेदारी है इल्म के पंजी में शमशीर जहां मेरे रे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो भाइयों लोग कहते हैं इंसान की बुनियादी जरूरत क्या है रोटी कपड़ा मकान है ना रोटी कपड़ा मकान इंसान की बुनियादी जरूरत है तालीम आदमी सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने तालीम दिया है हाँ उसके बाद रोटी कपड़ा मकान की बात आती है तालीम इंसान की बुनियादी जरूरत है मेरे भाइयों तालीम को लेकर आगे बढ़े इल्म से बड़ा फायदा हो सकता है और आप बड़े बड़े फितने से बच जाएंगे इम के जरिए से और ये इल्म इसी से इंसान आगे बढ़ सकता है हालात के तकाजे में बहुत जरूरी है कि हम तालीम को लेकर आगे बढ़ें इसी इल्म की वजह से आज चांद में सितारे सैरों में कमंदे डाल रहे हैं इल्म की वजह से इल्म को लेकर आगे बढ़ें बहुत जरूरी है चौथी जिम्मेदारी हमारी हब्बु दुनिया और मौत को छोड़े हाँ दुनिया और दुनिया की चाहत मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है शमशीर सिना अव्वल ताउस आखिर आज मुसलमानों को उर्दू नहीं आती सो है ना उर्दू अब इसकी तशरी करना पड़ेगा क्या उर्दू बोले सो तुम्हें जरा बताओ है नहीं याद रखो मेरे भाइयों जाओ क्या बताया मैंने गवाह दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई सी पाई थी सुरैया से जमी पर आसमान हमको दे मारा पांचवी हमारी जिम्मेदारी है आज की दुनिया सिर्फ जिसम की गजा जिसम टॉप, नौजवान फिट पार्ट एकदम बॉडी बिल्डर है, है करता जिम में जाता कभी ऐसे करता कभी ऐसे करता है? और कैसे कैसे ये करता है जाहिर में बहुत टिप टॉप है अगर अंदर से खोखला रूह को भी गज़ा दो जिसम जैसे हमारा थकता है जिसम को गजा चाहिए जिसम को आराम चाहिए रूह को भी गजा दो आज की दुनिया सिर्फ जिसम 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 अंदर से खोखला है ये इंसान लिखा पड़ा इंसान ऐसा काम करता है दुनिया इंसानियत शर्मसार हो जाए याद रखो रूह की भी गजा होनी चाहिए ये इंसान का इंसान का जिसम बना है मिट्टी से आखिरकार इसकी हार जरूरत अल्लाह ने मिट्टी में रखी है इसकी गजा मिट्टी में है आखिरकार कहां जाना है मिट्टी में जाके मिलना है रूह अल्लाह के पास चाहिए है, है ना मां के पेट में बच्चा जब 120 दिन का होता है अल्लाह ताला जिब्राइल को भेजता जाओ रू फरिश्ते को भेजता है अल्लाह के पास जाना है रू को, को भी गजा चाहिए और रूह की गजा भी अल्लाह ने अपने पास से भेजा है क्या है रू की गजा अल्लाह ने उसको ही कहा है अल्लाह ने आयत नंबर फरमाया के रसूल हमने आपकी तरफ अपनी तरफ से अपने आम्र से रूह की वही की है ये कुरान रूह है कुरान रूह है कुरान रूह है रूह की गजा कुरान है कुरान पढ़ो कुरान की तिलावत करो कुरान को समझो कुरान को दूसरों तक पहुँचाया करो कुरान के जरिए से तुम आगे बढ़ सकते हो वो जमाने में मोजस्ते मुसलमान होकर तुम खार हुए हो कुरान होकर अजीब तमाशा है वो कौम जिनके पास कुरान है आज इल्म के लिए वो पीछे हैं इल्म के हैं आज वो कुरान वो कौम जिसके पास कुरान है उलोम फनून के मैदान में पीछे हैं वो कौम जिसके पास कुरान है आज अनपढ़ और जाहिल है अल्लाह अकबर अजीब तमाशा है ये दुनिया का आठवा अजूबा होना चाहिए कुरान इसकी गुरु की गजा का तुम इंतजाम करो मेरी छठी जिम्मेदारी मैंने ये कही खिदमत खल्क जिसको के शेख अजहरुद्दीन मदनी फिद्लाह ने बयान कर दिया खिदमत खल्क मैं एक बात कहकर आगे बढ़ूंगा और अगर आप चाहें तो मैं पांच दस मिनट और ले लू और बंद खत्म करना बोले तो खत्म कर देता हूं टाइम हो गया जी जाकल्ला खैर जिम्मेदारों की तरफ से इजाज़त है अल्लाह अल्ला जाय खैर दें तो ठीक है बहुत जल्द इंशाला खत्म कर दूंगा एक चीज याद रखिए आप अगर अपने एग्जिस्टेंस को बचाना चाहते हो यहां पर 130 करोड़ आबादी इंडिया में 100 करोड़ के लिए अल्लाह ताला ने 30 करोड़ को रखा है कुं तुम खैरा उम्मत इन उखरजतना तुम बेहतरीन उम्मत लोगों के लिए मुसलमानों के लिए नहीं सारे लोगों के लिए बर्पा किए गए हो तुम्हारा काम है तीस करोड़ को अल्लाह ने रखा है इन एक करोड़ के लिए तुम्हारा काम है कि तुम इस फरीजा को अदा किया करो फैन का काम क्या है भाई घूमना है घूमना बंद कर दिए तो क्या करते हैं भाई क्या करेंगे जिम्मेदारा ले जाकर उसको मरम्मत करेंगे हाँ नट बोल्ट टाइट करेंगे अल्लाह हमारी बोल्ट टाइट कर रहा अब हा फिर भी अगर नहीं हुआ तो हटा भाई दूसरा ले को आ है ना ये हमारी याद रखो ये मिसाल है अल्लाह ने हमें रखा दातो तबलीग के लिए कुम तुम खैरा उम अगर तुम ये काम नहीं करोगे अल्लाह मेरा मत करेगा नट बोल टाइट करेगा कर रहा फिर भी नहीं सुधरे अल्लाह ने फरमाया मिसाले हैं बगदाद और गारा के हलाकु खान चंगेज खान इन लोगों को अल्लाह ने हिदायत देके फिर काम लिया है याद रखो अगर अपनी एग्जिस्टेंस की हिफाजत चाहते हो तो क्या करो तुमको चाहिए कि खिदमत खल किया करो और दातो तबलीग का, का काम किया करो खल में अल्लाह अकबर पहली वही नाजिल हुई नबी घबराते हुए आए और खदीजा से कहा कि जम मिलोनी मौके पर, पर उन्होंने तो मुझे अपनी जान का डर हो रहा खदीजा से कहा खदीजा ने क्या बड़ी बात कही है मेरी मां और बहनों के लिए पैगाम है कि आपको शौहर को सपोर्ट करने वाली बनना चाहिए खदीजा ने कहा कि हर गिजे से होने वाला नहीं है अल्लाह आपको जाये नहीं करेगा तुम अपने आप को जे होने से बचाना चाहते हो ये काम करो ये अपना लो ये सारे खदमत खल कहें कहा कि आप सही बात कहते हो रिश्ते नाते को जोड़ते हो आप जो है दूसरों का बोझ उठाते हो आप जो कमाकर गरीबों नादारों को दिया करते हो मेहमान नवाजी किया करते हो हक का साथ देते हो अल्लाह अकबर करो मेहरबानी तुम अहल जमीन पर खुदा मेहरबा होगा अरश बरी पर यही मकसूद फितरत है यही रमज मुसलमानी यही मकसूद फितरत है यही रमज मुसलमान

के तीन साल तक छुप छुप कर दावत तबलीग का काम किए अब फसता तो अल ऐलान कहो आप अभिषेक ने कहा हा, मीडिया पे जाओ और जो जाते रिप्रेजेंटेटिव उनको आता ही नहीं कुछ भी हा, जाओ मीडिया पे जाके नबीन उस जमाने का मीडिया का इस्तेमाल किया सफा की पहाड़ी मगर मीडिया की गलतियों को छोड़ दिए उस जमाने में नंगे होकर कहते थे ना नजीरुल नबी ने कहा ना नदीर मुबीन भाई खुल्ला डराने वाला नंगा नहीं उसके बाद सबको जमा करने के बाद नबी ने सबसे पहले अपने अखलाक को पेश किया कहा कि लोगो, तुम्हारे हूं? मेरे अखलाक को, को पेश किया सब ने कहा माँ जर्रबनल अरे नबी माँ जर्रबनल कदीब अली काम ने आप पर कभी किसी झूठ को आजमाया नहीं नबी ने पहले अपने अखलाक को पेश किया फिर उसके बाद दावत तो हिल को पेश किया आज मुसलमान बहुत जरूरी है जिसके अखलाक अच्छे नहीं होते उसके अकायद फैलते नहीं है लोग उससे बिदकते हैं अल्लाह ने कुरान में के रसूल के ताल्लुक से फरमाया फलो बिनिक नबी अगर आप बद किरदार बद जबान बद अखलाक होते ये सब आपसे छठ जाते इसीलिए आज अखलाक किरदार का होना बहुत जरूरी है मेरे भाईयों सबर तहमुल किया करें अखलाकरदार को अपनाया करें अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा खिदमत खल से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा दादो तबलीग से अल्लाह तला हमारी हिफाजत फरमाएगा अल्लाह अकबर लोग कहते हैं तेरह साल तक नबी मक्के में सिर्फ तोहद का दावत दी है तोहिद की दावत नहीं तोहिद के साथ साथ अख्लाक भी अकीदा और अखलाक दोनों साथ साथ साथल शाह को सामने बुलाए थे बुलाकर पूछे थे कि क्या क्या करते हैं से बुखारी की इब्तदाई हदीसों में से हैं जहां पर उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के रसूल ये नबी हमें मक्के में दावत तो, तोहहीद की तालीम देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो आबा और अजदाद की तकलीद को छोड़ो साथ ही साथ हदीस के अल्फाज है काना या वल वी व सदका अकबर ये क्या है का ये अखलाक रखो मेरे रोज से अव्वल से हमें चलना चाहिए अखलाक को लेकर चलना चाहिए आखिरी दो बात कर बात खत्म कर देता हूं दावत या तबाही अगर आपने दीन की दावत की तो अल्लाह ताला रखेगा और अल्लाह ताला नहीं रखेगा आप सोचते हो मैं दावत करूं तो ये लोग दुश्मनी पुतर आएंगे नहीं अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह माईदा आयत नंबर साठ पर सात ने अल्लाह ने फरमाया या रसूल बल्ल मा उन जिला इलाइका में रबिक असूल तबलीग करो किस चीज की तबलीग करना है किसी के QA, की लिखी हुई फजाइल की किताब की नहीं न तो नैरे की किताब की नहीं अल्लाह के रसूल अब तबलीग करो किस चीज की तबलीग करना है बल्लग मा उन जिला इलाइका में रब्बिक उस चीज की तबलीग करो जो अल्लाह ने आपके रब ने आपकी तरफ नाजिल किया कुरान और हदीस की तबलीग करो और अगर तुम आई नबी कुरान हदीस की तबलीग नहीं करोगे तबलीग हाँ तुमने अदा नहीं किया किससे कहा जा रहा है नबी से वहीफमता अल्लाह ताला लोगों से तुम्हारी हिफाजत करेगा अल्लाह भकबर दाउत तबलीग का का काम करो अल्लाह हिफाजत करेगा इन अल्लाहदिल कौम अल काफिरन और अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं देता है ये काफिर है ना परेशान हाल उनको सुझाई नहीं देगा अल्लाह ताला कैसे इंतजाम फरमाएगा इसलिए मेरे भाइयों आपको चाहिए ये दुश्मनी का माहौल खत्म करना है तो क्या करो फैदाबाइन हमीम इनको भले तरीके से दावत दो इनको पता नहीं है जब पता हो जाएगा ये खुद जो है आपकी हिफाजत के लिए आ जाएंगे सुमाबा बिन उसाल को जब नबी के बारे में पता नहीं था साहबा के बारे में पता नहीं था दुश्मनी और जब पता चल गया फिर हो गए और हो गए याद रखो मेरे भाई आज बहुत जरूरी है कि हम अच्छे अखलाक किरदार के साथ किया करे जालिम से लिया न कभी जुल्म का बदला मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा आज ये बहुत जरूरी है हमें चाहिए कि अखलाक किरदार को, को सुधारें और एक हो जाए मुतहिद होकर खुलासा कलाम सुरतुल असर सलफ का तरीका था एक दूसरे से जुदा होते सुरतल असर पढ़ के सुनाते थे वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर जमाने की कसम हर जमाने में लोग नुकसान में रहेंगे हम भी रहेंगे चार काम करो नुकसान से बच जाओगे हालात का ये तकाजा खुलासे के तौर पर इन्नल इंसान खसुर न आमनू ईमान अकीदा तोहिद अमल इल्म ये याद रखो वामिलु आमिल सालिहात नेक अमल में अखलाक किरदार इबादत ये सारी बातें आ गई है वो तवा सो बिल हक और हक की दातो तबलीग किया करो अच्छा अखलाक और किरदार का मुजाहरा वो तवा बिस सबर और सबर किया करो सबर किया करो इस रास्ते में सबर बहुत जरूरी है नबी ने फरमाया नफर बामयाबी सबर के जरिए से है और सुरा नूर की आयत नंबर पचपन से मैं खत्म करता हूं आयत नंबर पचपन बहुत अहम है आज कुछ लोग कहते हैं कायम करो सब मसला हो जाएगा हुकूमत कब मिलेगी जब तुम तोहिद कायम करोगे अल्लाह ने फरमाया वहन आमनोम वामिलिहा ईमान और नेक अमल करने वालों से अल्लाह का वादा पहले ईमान अकीदा तोहिद नेक अमल

अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो और मैंने कहा यही जुमला में आखिर में कहूंगा हालात यह है छुपी ढकी छुपी नहीं है हालात की जिम्मेदारियों में क्या है दीन की तरफ लौट के आओ हत्ता तर्जा दीन को जब तक तुम दीन की तरफ लौट के नहीं आओगे تماري حالتك لن تسدرقي دعى رب العالمين سي الله تبارك وتعالى همي وكم ان كاني اسني بالات وبر عمل اللهم العن الكفر اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويقذذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالب بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وشدد شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وبدل أهوالهم وبدل تدبيرهم وبدل احوالهم وقتل شبانهم وقتل اعمالهم ويتم اطفالهم وقرب اجالهم واشدد وتاتك عليهم واشدد على اموالهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم الكافرين ومزق حكومتهم ومزقهم كل ممزق يا قهار قهر عليهم يا جبار جبر عليهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله نعم الوكيل اللهم عليك بالظالمين المعتدين الحاقدين الحاسدين المحتلين اللهم حرر المسجد الاقصى اللهم حرر المسجد الاقصى من الظالمين الحاقدين الحاسد المحتلين اللهم انصر الذين يسعون في تحرير المسجد الاقصى اللهم منصر الذين اطراف اكناف بيت المقدس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سار مسلمانو جان مال عزت دين دین اهل عيالك عیال فرما اللهم منصر اخوان المسلمين في كل مكان اللهم كن لهم معيد ومعيد ومعينا وظاهرا ونصيرا اللهم عليك بالظالمين ومن و اللهم لا تحقق لهم غايه ولا طرف لهم رايه واجعلهم لمن خلفهم عبره وايه واخر دعوان الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا